आज बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब हो चुकी प्रियंका चोपड़ा एक टाइम पर बॉलीवुड मूवीज के लिए और लोगों के दिलों में निरंतर चलने वाला एक पॉपुलर नाम हुआ करता था। प्रियंका चोपड़ा में सुंदरता और टैलेंट दोनों इतने ज्यादा हैं कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड के गिने चुने कुछ उन एक्ट्रेस में से एक थी जिनको बॉलीवुड में कई मूवीज मिली और उनमें से कुछ एज ए लीड रोल के तौर पर भी, और ना सिर्फ वो हॉलीवुड मूवीज बल्कि हॉलीवुड हस्बैंड भी मिल गया। वैसे एक टाइम पे इंडियन लोग ये बोल रहे थे कि प्रियंका चोपड़ा देखो कितनी किस्मत वाली है कि हॉलीवुड के एक जाने माने हस्ती से शादी करी, लेकिन बाद में ये पता चला कि भाई निक जोनस किस्मत वाला था कि उसको प्रियंका चोपड़ा मिली थी। We teach each other things. He showed me how to use TikTok, for example. You know, and I showed him what a successful acting career looks like. तो इस तरीके से प्रियंका चोपड़ा का फोर्ब्स बीबीसी टॉप 100 वुमेन्स लिस्ट की लिस्ट में आना कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की इन कुछ जानी मानी हस्ती में से एक है जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है। वैसे मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि जिन भी बॉलीवुड एक्ट्रेस को पद्मश्री मिला है वो बॉलीवुड से आज गायब क्यों हो चुके हैं, कॉमेंट में जरूर बताना। खैर देखो जो भी हो, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने जिस भी फील्ड में कदम रखा वहाँ अपना एक ब्रांड जरूर बना लिया। एग्जाम्पल के तौर पर टीन एज में जब प्रियंका चोपड़ा यूएसए से अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आती है तो वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा की मम्मी उनको फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में 20s के पार्टिसिपेट कराती है, और क्या होता है प्रियंका चोपड़ा वो कॉन्टेस्ट जीत जाती है और सेकंड विनर बनती है। लेकिन वो इतने से खुश नहीं थी, उन्होंने दूसरे बड़े कॉन्टेस्ट पे पार्टिसिपेट किया, सीधे मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में, और वो बन गई मिस वर्ल्ड 2000। मिस वर्ल्ड 2000 तो जैसे प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बन जाती है बॉलीवुड में उनके लिए रास्ता खुल जाता है और उनकी फर्स्ट डेब्यू मूवी बनती है 2002 में तमिल तामिजान, और जिनमें उनके को स्टार थे विजय। ये चीज पढ़ लो। उसके बाद बॉलीवुड में उनका डेब्यू होता है द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, और उसके बाद उनकी फिर कई मूवीज आने लगती हैं और वो कई ब्लॉकबस्टर मूवीज का भी हिस्सा बनती हैं, जैसे अंदाज, मुझसे शादी करोगी, क्रिश और डॉन। ये चीज पढ़ लो। लेकिन इसके बाद इनकी किस्मत खराब चलने लगती है। उनको डेफिनेटली मूवीज तो मिल रही थी लेकिन वो अपना एक मैजिक क्रिएट नहीं कर पा रही थी। लेकिन यहीं पर आई दो ऐसी मूवीज जिसमें प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग स्किल की तारीफ हुई, जिसमें से एक थी अनजाना अनजानी और दूसरी थी एक ब्लैक कॉमेडी मूवी सात खून माफ। लेकिन इसके बाद उनकी 2011 में आती है डॉन 2 जो कि सक्सेसफुल फिल्म बनी, और इसके बाद शायद इनकी किस्मत फिर से पावर में आ चुकी थी क्योंकि इनके बाद इनको फिर अब सुपरहिट मूवीज मिल रही थी। जैसे इनकी मूवी आती है फिर अग्निपथ, और फिर आई इनकी और फिर आती है क्रिश 3, और उसके बाद फिर इनकी रामलीला मूवी में गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ उस टाइम पे, राम चाहे लीला, और फिर ये नजर आई गुंडे मूवी में। और इस मूवी की कमाल की बात ये थी कि इसमें रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के होते ये मूवी सक्सेसफुल रही। अरे क्या करें मौसी, हमारा दिल्ली कुछ ऐसा है। चुप कर बे कुत्ते। और इसके बाद इनकी आती है फिर मैरी कॉम जिसमें इनको मिली ढेर सारी तारीफें और फिल्म भी सक्सेसफुल रही, और ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन फिर 2017 में आता है इनको हॉलीवुड में एक मूवी का ऑफर, और वो थी डॉनी जॉनसन के साथ बेवॉच मूवी। तो इस तरीके से इनकी हॉलीवुड में तो अब डेब्यू हो चुका था और इनकी फिर कई फिल्में आने लगती है। और इतना ही नहीं, 2019 की एक फिल्म आई थी सलमान खान की भारत, उसमें भी ये नजर आने वाली थी, लेकिन चूंकि उसी साल निक जोनस के साथ इनकी एंगेजमेंट थी इसलिए वो फिल्म में काम नहीं कर पाई। और इसके बाद इनकी फिर कुछ और मूवीज आई, और आई थिंक इनकी आखिरी फिल्म बनी 2023 की लव अगेन। अब मैं तुमको बताना चाहूंगा कि प्रियंका चोपड़ा न सिर्फ कमाल की एक्टिंग करती है बल्कि कमाल की सिंगिंग भी करती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत कम लोगों को मालूम है प्रियंका बहुत बहुत अच्छा गाती। ए, मेरा दिल प्यार का दीवाना, और इतना ही नहीं बल्कि वो कई म्यूजिक कंपनीज के साथ काम भी करती है। उनके हॉलीवुड में कई गाने रहे जैसे इन माय सिटी, एक्सोटिक और ऐसे ही कई, जिसके लिए उनको बल्कि अवार्ड्स भी मिला है। और बॉलीवुड की एक मूवी में भी उनका एज अ फर्स्ट प्लेबैक सिंगर के तौर पे गाना है चोरो, जो कि मैरी कॉम मूवी से ही है। अब देखो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर को एज अ बिजनेस वुमन के तौर पर भी देखा जाता है, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। वो कई बिजनेस के को-फाउंडर है, जैसे एक है एनोमली और दूसरा है पर्पल पेबल पिक्चर्स जो कि इंडियन रीजनल मूवीज बनाने के लिए भी जाना जाता है, जैसे उसी में से एक मूवी है वेंटिलेटर जो कि 2016 में आई थी। और ऐसी उनके और कई स्टार्टअप्स और ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन है जिससे प्रियंका चोपड़ा के पास आता है भरपूर और अंधा पैसा। लेकिन प्रियंका चोपड़ा एक और चीज के लिए जानी जाती है, वो है चैरिटी। वो अपना खुद का एक फाउंडेशन चलाती है, द प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, जो कि अनाथ बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान देता है। और ये भी माना जाता है कि प्रियंका चोपड़ा अपने इनकम का 10% चैरिटी करती है।
की है। वो 2006 में यूनिसेफ के लिए भी काम कर रही थी, जो कि ऐसे ही बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ वगैरह पे ध्यान देता है। इसके साथ ही वो एनवायरमेंटल चैरिटीज भी करती है। और इतना ही नहीं, 2013 में उन्होंने एक हॉस्पिटल भी बिल्ड किया, नवंती हॉस्पिटल, और इसके लिए उन्होंने $5 मिलियन डोनेट किए थे। और ऐसी बहुत सारी चैरिटीज, और इवन COVID-19 के पेंडेमिक के टाइम पे भी उन्होंने कई सारे डोनेशंस दिए थे। और इसके साथ ही प्रियंका चोपड़ा को लिखने का भी शौक है। भाई कितना कुछ करती है यार ये, और ये एक्चुअली बॉलीवुड की एक जेम है। अगर एक्चुअल में ध्यान से देखा जाए ना, तो कोई भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस इस लेवल तक की नहीं पहुंच पाई है जहां पर आज प्रियंका चोपड़ा पहुंच चुकी है। और यहां पर ये कहना कि इनको बॉलीवुड से कोई निकाल सकता है, ये बेवकूफी वाली बात है। प्रियंका चोपड़ा ने खुद के ही कुछ रीजंस की वजह से बॉलीवुड को छोड़ दिया है, जिसमें से एक रीजन आता है कि बॉलीवुड में पॉलिटिक्स वाले मुद्दे काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसके साथ ही अब वो अपना एक फ्रेश करियर स्टार्ट करना चाहती है, इसलिए भी उन्होंने बॉलीवुड से भी ब्रेक लेकर रखा है। देखो तो इस तरीके से हमको ये मानना पड़ेगा कि प्रियंका चोपड़ा जितनी सुंदर है उतनी ही समझदार भी है। I like learning from the people around me. इसका मतलब ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट एग्जांपल। वैसे मुझे सबसे ज्यादा प्यारी क्रिश मूवी में लगी थी, आपको कौन सी मूवी में लगी ये कमेंट बताइए।